अल्लाह जन्नत में तेरे बाजू खर्च है, तेरे पड़ोस में खर्च है, तू मिल गया तो जन्नत में खुद बहुत मिल जाएगी, तू मिल गया तो सुकून भी मिला, तू मिल गया तो सब कुछ मिला, तू नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। इसको मिसाल से समझिएगा, एक बादशाह था, उसने अपने महल में बीवियों को बुलाया, उसने एक काम ये किया कि सोने और चांदी और हीरे जवाहरात के जो हार होते हैं, हार वो मुख्तलिफ हिस्सों की शक्ल में उसने रखा, अलग 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 हिस्से रखे, घूमे बना के उसने कहा कि देखो जिसका हार जिन हीरों पर, जिन हीरों के हिस्सों पर हार कर जाएगा वो हिस्सा उसका है, सोने चांदी हीरे जवाहरात मोती, तो जिसका हाथ जिस हिस्से पर जाएगा वो उसके, इस हिस्से पे हाथ रख रहे तो उधर के हीरे छूट रहे, उधर के हाथ छूट रहे, तो इस तरह से मुख्तलिफ अलग अलग हिस्सों पर बीवियों ने हाथ रखे। एक बीवी जो उसको बादशाह को जिसने पहचाना था, बादशाह के जो करीब थी, उसने बादशाह के कंधे पे हाथ रखा और कहा मुझे हीरे नहीं चाहिए, मुझे बादशाह चाहिए, आशा मिल गया खुद बहुत हीरे मिल भी जाएंगे। तो यही बात थी हजरत आसिया ने कहा, अल्लाह जन्नत में तेरे पड़ोस में जगह चाहिए, तू मिल गया तो जन्नत भी मिली, जन्नत से तुझे निकाल दिया जाए जन्नत भी की है, जन्नत की कोई हैसियत नहीं है, जन्नत की हैसियत है तो सिर्फ रब की वजह से, रब की साथ को जन्नत से हटा दिया जाए जन्नत कुछ नहीं है। यही वजह है कि जन्नतियों से जब पूछा जाएगा कुछ चाहिए तो कहेंगे नहीं, सब अल्हम्दुलिल्लाह लिल्लज़ी अतअम्मल हज़न, जो दुनिया की बीमारियों, दुनिया के प्रॉब्लम्स, दुनिया के बुढ़ापे से हमको नजात मिली, और क्या चाहिए। जब रब का दीदार होगा तो जन्नती कहेंगे दीदार के बाद ऐसा लगता है कि अब तक जन्नत की कोई नेमत मिली ही नहीं, रब के दीदार के बाद सारी जन्नत फीकी पड़ जाएगी जन्नतियों के। देखिए ईमान जिसको मिल जाता है उसकी सोच बदल जाती है, उसकी आखिरत रूही सोच हो जाती है, दुनिया में वो रहता है फिजिकली, मेंटली वो आखिरत की जमीन पे चलता होता है, वो आखिरत का मुहासबा उसकी निगाहों के सामने होता है, जन्नत की तलब और जहन्नम के खौफ के बीच उसकी लाइफ होती है। ईमान जिसको मिलता है उसकी जिंदगी अलग होती है। हमको ईमान नकली मिला है, असली नहीं मिला है, इसलिए हम शिर्क से तो बच जाते हैं, मामला में कच्चे, मामला करने डर लगता है, कल काम बन जाएगा बोलते हैं, इसका मतलब कल काम नहीं बनता, मामला इतने कच्चे, जबान के इतने कच्चे, दिल के इतने गंदे, किरदार के इतने बुरे, डर लगता है कोई मामला करने, चाहे शादी ब्याह का मामला हो, बिजनेस का मामला हो, किसी को पार्टनर बनाने, किसी को रिश्ता रिश्ता किसी से जोड़ने, डर लगता है, डर लगता है, देखने को चेहरे पे दाढ़ी है, देखने को जुब्बा पजामा है, टखने से ऊपर कपड़ा है, मगर मामला गंदा, जबान कच्ची, दिल के अंदर हसद, ये ऊपर की जो दिखलावे की दीदारी है, डेकोरेशन है, दिल के अंदर जो हमने तौहीद का बीज डाला है वो असली नहीं, वो नकली है। असली जिसको तौहीद का कलिमा मिल जाता है उसकी सोच बदल जाती है, उसके किरदार बदल जाते हैं, उसके चाल ढाल बदल जाते हैं, देखने वाला कहेगा रब को जिसने पहचाना उसको देखना हो तो इसको देख लो, चलता हुआ जिंदा कुरान देखना हो तो आमिना के लाल मोहम्मद को देख लो, ये चलता फिरता कुरान है, समान से मैं मुस्लिम हूं, मैं मोमिन हूं नहीं चलेगा, किरदार से साबित आप वाकई ईमान की जिंदगी अपनाए हुए, वाकई इस्लाम के तौर तरीके पर चलने वाले, ये तो किरदार से पता चलेगा ना। देखिए असल में हम लोग ऐसे माहौल में हम जिंदगी गुजारते हैं जहां हमारे अतराफ में नकली चीजें बहुत बिक रही, हमारे मार्केट में नकली चीजें बहुत बिक रही, आप देखेंगे फूल आर्टिफिशियल निकल गए, फल आर्टिफिशियल निकल गए, जेवरात ज्वेलर्स आर्टिफिशियल निकल गए, ऐसा लगता है कि बिल्कुल असली जेवर है, ऐसा लगता है कि असली फूल है, असली फल है, मगर जब चेक के देखते हैं तो ना वो ना उस फल में जायका
फूल महफूज़ है। यही वजह है कि हम इस आर्टिफिशियल माहौल में रहते रहते हम भी नफरी तौहीद का कलमा पढ़ लिए, आर्टिफिशियल का कलमा हम पढ़ लिए, जिसकी वजह से हमारी सोच में वो ईद तौहीद की खुशबू नहीं, हमारी जबान में वो शुक्र की खुशबू नहीं, हमारे दिल में वो खैरखाही की मिठास नहीं, हमारी निगाहों में वो हुस्ने जन का इजहार नहीं, हमारे चाल ढाल में वो ईमानी कैफियात नहीं दिखाई देती। फूल में खुशबू हो, फल में जायका हो, तभी तो वो मुफीद बनेगा इंसानी जिस्म के लिए। जिस तौहीद के अंदर खुशबू असली हो तो उसका निखार जबान से उसका इजहार होगा, आंखों से, किरदार से, चाल ढाल से उसका इजहार होगा। यही वजह है कि नफली कलमा हम लोग पढ़ लिए, जिसकी वजह से हमारी जिंदगियों में राशत आ रही नहीं होता, लरसते हैं हम जहन्नम की जिद से, लरसते नहीं तो जहन्नम का तस्करा हमें बुलाता नहीं है, रोना नहीं होता, आंखों से आंसू नहीं निकलते, दिल पिघलता नहीं होता के तस्करे से, जबकि अल्लाह तबारक व तआला जहां भी जिद करता है इन्नमा मुमिनून अल्लज़ीन इज़ा ज़ुकिरा अल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। मोमिन कौन है? बेहिस नहीं, मोमिन कौन है? अल्लाह का जिक्र आता है तो दिल कांपने लगता है, कहां है हमारी बेहिसियत, दिल कांपने लगता है। वही ना दुनिया वाले आया तो जब रब की आयतें पढ़ी जाती है, जब रब के करिश्मों का जिक्र किया जाता है, ज्यादा जो ईमान उसके ईमान की क्वालिटी बढ़ जाती है, उसका ईमान बढ़ जाता है, हमारा ईमान तो नहीं बढ़ रहा। जाफर इब्ने अबी तालिब ने नजाशी बादशाह को कुरान पढ़ने सुनाया, सूरह आले इमरान, सूरह ताहा, सूरह मरियम, किसको सुनाया था? नजाशी बादशाह। और उसके अतराब में दरबारी पास्टर्स ईसाई बैठे हुए थे। कुरान जब सुनाया जाफर इब्ने अबी तालिब ने, कुरान जिक्र करता है सातवां पारा जहां से शुरू हो रहा है, वहां पढ़िया पैदा सब एवं महमूद नहीं रसूल, कुरान जो रसूल पर उतरता है जब उसको सुना ईसाइयों ने, तफीजु मिन दमई, आंखों से आंसू तारों के तार बहने लगे, मिम्मा अरफु मिन हक, क्यों? रब की पहचान हो गई थी, रब की पहचान से, रब के करिश्मों के बयान से, रब के तस्कीरे से दिल पर ऐसा असर होता है, इसलिए दिल में न रिलेटिव्स की मोहब्बत बसी होती है, दिल में ना फैमिली लाइफ बसी हुई है, दिल में ना दौलत बसी हुई है, दिल खाली है बस सिर्फ और सिर्फ रब की तौहीद बसाने के लिए, रब की मोहब्बत, रब की अजमत को बसाने के लिए दिल खाली होता है इंसान का। तब रब की तौहीद जब दिल में उतरती है तो तौहीद दिल में है, उसका असर आंखों से जाहिर होता है, सारा किनारा आंसू बहने लगे, ऐसा निकलने लगे आंसू जैसे आप नल खोलते तो पानी निकलता है। उसके बाद कुरान जो नशा किसका है कि अल्लाह के तस्करे से उसके करिश्मों का जिक्र सुनने के बाद ऐसा थ्रिल आता है, बॉडी में हलचल, ऐसा राशन आई हो जाता है, जी उठते हैं, आमन्ना बिरब्बिना, हम रब पर ईमान लाते हैं, ऐ फरिश्तो तुम लिख लो कलमा पढ़ने वालों में हमारा नाम। और आगे कहते हैं हमें किस तरह की मजाज के रब करके करिश्मों का जिक्र हो और हमारा दिल न पिघले, हमारी जिंदगी में हलचल पैदा ना हो, तो इससे बड़ी महूसत क्या हो सकती है, इससे बड़ी मनहूसी क्या हो सकती है। फैमिली लाइफ का जिक्र आता है तो खुश, बच्चों का तस्कर आता है, काम हाजिर पे भी आपकी ख्वाहिश का इजहार हो हम पूरा करेंगे,
دکھائی دے دے گا, حقیقی زندگی میں ایمان دکھائی دے گا, الفاظ کی شکل میں. زبان سے سبحان اللہ بول رہے, بلیک منٹ پر الحمدللہ بول رہے, بلیک منٹ پر سیکنڈ سیکنڈ پر اللہ اکبر بول رہے, مگر وہ حلق کے نیچے نہیں اترا ہے وہ سبحان اللہ. حلق کے نیچے جو اترا وہ فیملی, حلق کے نیچے جو اترا وہ بچے, حلق کے نیچے جو اترا وہ دولت, حلق کے نیچے اترا جو وہ دنیا, حلق کے نیچے جو نہیں اترا وہ سبحان اللہ نہیں اترا, وہ الحمد للہ نہیں اترا, وہ اللہ اکبر نہیں اترا. یہ جھوٹے کلمات جو صرف زبان سے نکلتے ہیں, دین اس الفاظ میں رہ جائے گا, وہ انسان کی سوچ کا حصہ نہیں بنے گا, اس کے کردار کا پارٹ نہیں بنے گا. آج مسلمانوں کے پاس جو ایمان ہے وہ ایسا ایمان ہے کہ خود ساختہ طور پر مسلمان ایک ایسے خدا کو مانتے ہیں جو کمیونل گاڈ ہے. کمیونل گاڈ یعنی قومی اور نسلی خدا. اللہ کون؟ مسلمان پریکٹیکل طریقے سے یہ بتاتے ہیں کہ اللہ صرف ہمارا ہے, اللہ صرف ہمارا ہے, ہم کچھ بھی کر لو معاف کر دے گا, اس لیے وہ ہمارا ہے. رب العالمین ہے اللہ زبان سے بولتے ہیں, عملاً اللہ رب العالمین نہیں بلکہ رب المسلمین مسلمانوں کا خدا ہے, یہ عملاً مسلمان مانتے ہیں. اگر وہ رب العالمین مانے ہوتے تو دعوت کا کام کرتے, غیر مسلمین کے بیچ اللہ کا انٹروڈکشن کرواتے, اللہ کا تعارف کرتے, اور ایسے پیغمبر کو مانتے ہیں مسلمان جو کہ مسلمانوں نے خود گڑ دیا ہے. جیسے اللہ کو گڑ دیا ہے, ایسے ہی مسلمانوں نے ایسے پیغمبر کو گڑھ لیا ہے جو پیغمبر کے بدعمالیوں کی باوجود ہمارے لیے سفارشی بن جائے گی. بس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھ لو, درود پڑھ لو رسول اللہ کی سفارش پر, بس درود پڑھ لے تو حقیقی سفارش کے حق کا بن جا سکتے ہو, رسول سفارش بن جائیں گے. حالانکہ اعمال بدعمال ہوں گے کی کوئی بات نہیں, رسول تمہارے سفارش کرتے. ایسے پیغمبر کو ہم نے گڑ لیا ہے جو کہ اللہ نے نہیں بھیجا, اور ایسی جنت پر ہمارا ایمان ہے جس میں جائیں گے تو صرف مسلمان جائیں گے, اور ایسی جہنم پر کو ہم نے گڑ لیا ہے جس میں جائیں گے تو باقی سب جائیں گے, ہم مسلمان نہیں جائیں گے, دوسرے لوگوں کی جہنم اور اپنے لیے جنت. ایسی جنت اور جہنم کو ہم نے گڑ لیا ہے, خود ساختہ خدا کو گڑ لیا, خود ساختہ پیغمبر کو گڑ لیا, خود ساختہ جنت و جہنم پڑھ لیا. قرآن کہتا ہے ایسے مسلمانوں سے, نہیں سب بھی امانی کی کو ولا امانی کی اہل کتاب, تمہاری وشفل کے وشفل تھنکنگ کے مطابق, تمہاری امیدوں کے مطابق اللہ نہیں چلنے والا ہے. تمہاری امیدوں اور تمہاری وشفل تھنکنگ, تمہاری خوش فہمی کے بیس پر آخرت کا فیصلہ ہونے والا نہیں ہے. میں یعمل سوء یجزی, جو توحید کا کلمہ پڑھنے کے بعد عمل سے ثابت کرتا ہے کہ میں توحید کو ماننے والا ہوں, جس کے عملی کردار بتاتے ہیں کہ یہ موحد ہے, ویسے اعمال ویسے اشخاص ہی بن سکتے ہیں, ورنہ جو بھی بد عملی بد کرداری کا ثبوت دے گا اس کی سزا دی جائے گی. ہماری خوش فہمی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے, ہم اللہ کو مانتے ہیں, ہم قرآن حدیث کو مانتے ہیں, یہ خوش فہمی سے کچھ ہونے والا نہیں. ہم اور آپ کتنا مانتے ہیں قرآن حدیث کو, ایمان میں کتنے پانی نہیں وہ آخرت میں ہی پتا چلے گا. خلاصہ کلام یہ کہ ایمان کوئی پتھر جیسی چیز نہیں ہے, ایمان بڑھنے والی چیز ہے, ایمان بڑھنے والی چیز ہے. ایمان جس کی لائف میں اصلی شکل میں اور حقیقی شکل میں آ جاتا ہے وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. صبغت اللہ, اللہ کا رنگ اپناؤ, ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ سے اللہ کے رنگ سے بہترین رنگ کسی کا نہیں ہو سکتا. پانی ہے, پانی کا ہاؤس ہے, اس میں ہم نے پتھر ڈالا ہے, چند دن کے بعد دیکھیے وہ پتھر اسی سائز میں رہے گا, اسی شکل میں رہے گا, مگر آپ اسی پانی میں رنگ ڈالیے, رنگ الگ پانی الگ, جیسا پتھر الگ پانی الگ تھا, رنگ ڈالنے کے بعد پانی میں گھل مل جائے گا, سم ہو جائے گا. ایسے ہی جو توحید کا کلمہ پڑھ لیتا ہے پورا قرآن میں وہ رنگ جاتا ہے, رسول کے چال ڈھال میں وہ رنگ جاتا ہے. رسول کے چال ڈھال الگ, مومن الگ نہیں ہو سکتا, قرآن الگ, مومن الگ نہیں ہو سکتا. مومن اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے, وہ
ورنہ وہ ایمان والا خود کو سمجھ رہا ہے مگر اس کے حقیقی معنی میں کلمہ بھی پڑھا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی حقیقت کو مشہور آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں اور تدبر